नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू नो हाउ। ये है एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 4 और आज हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। अब धरती या फिर सौर मंडल के अन्य ग्रहों की शुरुआत कैसे हुई, तो सुनो। जैसे हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके श्योर नहीं हैं, हम बस ये मानते हैं कि बिग बैंग यानी महाविस्फोट से ही यूनिवर्स बना है। उसी तरीके की कुछ कहानी है सोलर सिस्टम की भी। अब डिस्कस करते हैं कुछ थियरीज सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए ये थियरीज कोई प्रूवन रियलिटी या फैक्ट तो है नहीं, बस एक परिकल्पना है। सोर्सेज, नॉलेज, टेक्नोलॉजी या एविडेंस के अभाव की वजह से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो हम अज्यूम करते हैं चीज़ों को कि शायद ऐसा हुआ होगा। इन थियरीज में कुछ एक्सेप्ट कर ली जाती हैं और कुछ पूरी तरह रिजेक्ट। इसे ऐसे समझो, सपोज आप घर का गेट खुला हुआ छोड़ गए और वापस आए तब देखा कि किचन में एक दो बर्तन बिखरे हुए हैं और दूध वाले बर्तन से दूध गायब है, तो आपके एक फैमिली मेम्बर ने कहा कि दूध ज़रूर शेर ने आके पिया है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है ये ज़रूर किसी जिराफ का काम है। फिर तीसरे मेंबर ने कहा कि मुझे तो लगता है घर में बिल्ली ने आके दूध पिया है। अब प्रूफ तो तीनों के पास नहीं है, पर आपको तीसरे मेंबर की बात ही सही लगेगी, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें से ये थर्ड वाली ही फिट बैठती है आज के टाइम तक जो हमने ऑब्जर्व किया है या समझा है उसमें। तो फर्स्ट एंड सेकेंड रिजेक्ट हो गई और थर्ड हाइपोथेसिस हो गई एक्सेप्टेड वन। नाउ लेट अस डिस्कस द थियरीज। फर्स्ट थियरी है बाय इमैनुअल कांट। 1755 में इन्होंने बताया कि सबसे पहले आया एक नेब्यूला जो कि ठंडा था और स्टेबल था, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रेविटी डेवलप हुई और कोलिजन स्टार्ट हुआ। अब कोलिजन से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ और नेब्यूला हीट अप होने लगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से नेब्यूला एक्सपेंड करने लगा। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ वैसे वैसे नेब्यूला का सर्कुलर मोशन भी इंक्रीज होता गया, और जब सर्कुलर मोशन इंक्रीज होता है तो दो फोर्सेस डेवलप होती हैं, पहली सेंट्रीफ्यूगल, दूसरी सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल होती है जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है वो, वेयर एज सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ फोर्स लगती है उसे कहते हैं। देखो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल में फुग्गा मतलब बलून गुब्बारा आता है, अब गुब्बारा बाहर की तरफ उड़ते हुए जाता है, और सेंट्रीपिटल में पीटा आता है, तो आपने किसी चीज़ को पीट पीट के अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो जो अंदर की तरफ है वो सेंट्रीपिटल और जो बाहर की तरफ है वो सेंट्रीफ्यूगल। जब आप किसी चीज़ को धागे से बांधकर घुमाओगे तब बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस चीज़ को खींचेगा, और आपने उसे पकड़ा हुआ है तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उसे होल्ड करके रखेगा। तो इसी तरह से प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं क्योंकि उन पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों ही फोर्सेज एक्टिव होते हैं। अब वापस चलते हैं इमैनुअल कांट की बात पर। उन्होंने फिर कहा कि कुछ टाइम बाद सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नेब्यूला के बाहर वाली लेयर से 9 टुकड़े अलग होते गए और ये ओवर द टाइम प्लैनेट्स बन गए। पहले प्लूटो को भी प्लैनेट में ही काउंट करते थे, अब नहीं, और जो वो बचा हुआ नेब्यूला था वो बन गया प्रेजेंट डे सन। फिर इमैनुअल कांट से पूछे गए कुछ तीखे सवाल जिनका जवाब उनके लिए मुश्किल हो गया। फर्स्ट, ये नेब्यूला ही कहाँ से आया, और रेस्ट पे था तो मोशन में किस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया, क्योंकि न्यूटन सर तो कहते हैं कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी जब तक कोई बाहरी ताकत या एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगती। और फिर कांत ने जो कहा कि कोलिजन की वजह से सर्कुलर मोशन जनरेट हुआ, तो ये भी सही नहीं है। आप इमेजिन करो कोई दो चीज़ अगर टकराएंगी तो गोल गोल थोड़ी घूमने लग जाएंगी। अब थोड़ा सा और फिजिक्स देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास, एंगुलर वेलोसिटी और स्क्वायर ऑफ रेडियस का। अब एंगुलर वेलोसिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर के, यानी किसी चीज़ की साइज़ इंक्रीज होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और इमैनुअल कांत कह रहे हैं कि मेरे नेब्यूला की साइज़ भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी, तो इसलिए कांत की थियरीज हो गई बिल्कुल फेल। अब एंट्री होती है लाप्लास की। लाप्लास ने बहुत ही स्मार्टली इमैनुअल कांत की गलतियों से सीख कर अपनी थियरी दी। इन्होंने कहा नेब्यूला पहले से ही था और पहले से ही मोशन में था। फिर इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का कॉन्सेप्ट भी ऐसे एक्सप्लेन किया कि देखो गैस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, तो नेब्यूला की आउटर लेयर बाहर होती गई और इनर साइड बहुत फास्ट मोशन की वजह से कॉन्सेंट्रेट होती गई। तो इस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया और कांत की हाइपोथेसिस के सभी क्रिटिसिज्म को अलग करने की कोशिश की।
इन्होंने फिर कहा कि जो आउटर लेयर थी वो अलग हो गई और फिर उसी से ही बने 9 प्लैनेट्स। बट इतना इजी नहीं था, इनकी थियोरी को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिले। फर्स्ट वही कि नेब्यूला आया तो कैसे आया, हीट जनरेट उसमें कैसे हो गई, सर्कुलर मोशन पहले से ही कैसे है, ये सब चीज़ लाप्लास एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आउटर पार्ट जो था वो कैसे अलग हो गया, और अलग तो हो गया पर उससे 9 प्लैनेट ही कैसे बने। और आउटर पार्ट गैसियस फॉर्म में था तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर ही तो सॉलिड बना होगा। तो लिक्विड किस तरह से मोशन में था और कैसे इकट्ठा होकर सॉलिड बन गया। एंड वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म वाज अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम और मास सन का ज़्यादा होता है। देखो सोलर सिस्टम में 99.9% सन है और 0.1% बाकी सब प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड वगैरह। नाउ बिकॉज सन का मास डोमिनेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी सन का ही ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है सन से। तो इसी तरीके से लाप्लास की हाइपोथेसिस भी फेल हो गई। लाप्लास और इमैनुअल कांत की हाइपोथेसिस को मोनोइस्टिक या मोनोपेरेंटल या मोनोस्टार हाइपोथेसिस कहते हैं। मोनो मीन्स वन, इन दोनों ने एक ही स्टार से अपनी हाइपोथेसिस दी, इन्हें नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस और ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टडी वेल एंड शाउट टू द फैमिली ऑफ नो हाउ।